एक ओर जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जानलेवा कोविड-19 को हराने में जुटे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट मौत से हार रहे थे। यूपी को कोविड-19 मुक्त बनाने में योगी आदित्यनाथ दिन रात एक किए हुए हैं। वहीं लंबे वक्त से बीमार चल रहे उनके 89 वर्ष पिता आनंद सिंह बिष्ट आज इस दुनिया से ही चले गए। सुबह के 10:40 पर जब पिता आनंद सिंह बिष्ट ने अपनी आखिरी सांसें ली, तब बेटा राजधर्म निभा रहा था। कोविड-19 की चपेट में आए यूपी को बचाने के लिए योगी अधिकारियों संग बैठक कर रहे थे, कोविड-19 को हराने के लिए बनी टीम 11 के साथ मीटिंग कर रहे थे। इस बीच जब उन्हें पिता की मृत्यु की खबर मिली, तब अंदर ही अंदर झटका तो जरूर लगा होगा। पिता के जाने का गम भी मन पर भारी पड़ा होगा, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए बिना मीटिंग रोके योगी अधिकारियों को निर्देश देते रहे। ये माँ बाप के वो संस्कार हैं जिन्होंने योगी को देश और देशवासियों की सुरक्षा को हमेशा सर्वोपरि रखना सिखाया है। बहरहाल देवभूमि उत्तराखंड के यमकेश्वर के रहने वाले आनंद सिंह बिष्ट पिछले काफी वक्त से किडनी और लीवर की परेशानियों से जूझ रहे थे। अचानक तकलीफ बिगड़ने पर उन्हें देहरादून के हिमालयन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका डायलिसिस हुआ। लेकिन जब हालत में कोई सुधार नहीं दिखा, तब जाकर 13 मार्च को एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया। गैस्ट्रो विभाग के डॉक्टर्स विनीत आहूजा की टीम उनका इलाज कर रही थी, लेकिन जब शरीर के अंगों ने काम करना छोड़ दिया, तब जाकर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। बहरहाल पिता आनंद सिंह बिष्ट के निधन के चलते गोरखनाथ मंदिर में भी मातम पसरा हुआ है।